तो ये आगे हैं पतिदेव जी। इसको कहते हैं पहाड़ी भाषा में एराकान। अरे मधुमक्खी सांप पाड़ देगा वो चुतराव। आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। मौसम की बात है तो मौसम है आज बहुत ख़राब। सुबह से बारिश ही हुई है, अभी तक बंद नहीं हुई है क्योंकि चातुर्मास हुआ, कभी भी बंद हो सकती है। तो दिखाती हूँ मैं आपको मौसम, चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। होल अनियार पट्टे रहो दे। अब जाती हूँ मैं अंदर, देखती हूँ पतिदेव जी क्या कर रहे हैं। ओ, करने लग गए नाश्ता। टाइम से नाश्ता हो जाना चाहिए। अच्छा फिर जाना, मैंने घास घास जाना है। घास लेने जाना है, घास लेने जाना है फिर मैंने। अच्छा मम्मी आना कह रहे थे। आना कहे ना कहे जाना तो वही। अच्छा कहाँ जाना है? ओ हाँ हुकरोड हुकरोड गंगवाणी रोड। गंगवाणी गंगवाणी रोड गंगवाणी। मैं भी आऊंगी फिर। तू सोई रह। मैं सोऊं? बीमार भी है तू। सो के और ज्यादा बीमार नहीं होंगी मैं तो। भीग के और ज्यादा नहीं होगी। चलो फिर अब मैं भी खाती हूँ। अब जाने लग गए हैं पतिदेव जी घास लाने। एक छाता ले जा रहे हैं, एक रेनकोट। रेनकोट कब पहनोगे? जब घास लाऊंगा तब। अच्छा जब घास लाऊंगा ना तब रेनकोट पहनूंगा। अच्छा घास की भारी लगा के लाओगे। बाय जल्दी आना। तो अब हमने नाश्ता भी कर लिया है, नाश्ता करके मैंने बर्तन भी साफ कर लिया है। अब जाती हूँ मैं सबसे पहले गाय के वहाँ। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ घास लेने, आधे रास्ते तक गाड़ी पे लाऊंगा, फिर लाएंगे हम पैदल उसको भारी लगा के। ये देखो दोस्तों ऐसे काटना पड़ता है घास। मम्मी जा रही है, जाओ जाओ, मम्मी जा रही है घास काटने। ये देखो ये क्या, न चप्पल पहने है न कुछ है, क्या कहूँ अब मैं, चप्पल भी नहीं पहने और तो चप्पल ही फिसल रहे हैं वाले ऐसे में। ये और बारिश से मौसम ऐसा हो रखा है, ये देखो पूरा कोहरा ही कोहरा चारों ओर। अब ऐसे टाइम में थोड़ी मदद कर दें तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। ये खुश होना भी लाजमी है कि देखो ऐसे बारिश में घास काट रहे हैं और फिर लेके जाना हुआ यहाँ से घर। मैंने बोला कि कहीं काट लो फिर, और काटना तो मुझे उतना आता नहीं है पर जब काटना पड़ेगा तो काट ही लेंगे। तो मैंने कहा मैं लेने आ जाऊँगा, तो टाइम दिया था 10 बजे का, बज गए 10 और मैं आया था पर अभी कटा नहीं है तो और काट रहे हैं मम्मी ये। इसी बहाने मम्मी जी की भी हेल्प हो जाएगी थोड़ा सा। तो दोस्तों हम रख रहे हैं अब घास को गाड़ी में, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। इस घास को हमने डालना है इसके अंदर, तब लेके चलेंगे हम इसको। तो
और ये मम्मी जी ढूंढियाने लगी है घास को, इसको मिक्स करना होता है बल, फिर ले जाने का भी। और गाय भी ऐसे ढूंढियाया हुआ खाती है, अच्छा वैसे पुल्ले नहीं खाती है गाय। चौमास का घास जो है ढूंढियाया हुआ अच्छा खाते हैं बल, यो है। फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं भारी लगा के जाने लग गया हूँ घर, रोड से घर तक का सफ़र मेरा था, तो मैं पहुँचने वाला हुआ घर पे। और मैंने गाय को दो भी दे दिया है, गाय दो खाने भी लग गई है। और हमारा सुमित क्या कर रहा है पीछे से देख लीजिए, घास खा रहा है, खा खा। और वहाँ पे देख लीजिए वो छोटा बच्ची भी दोई खा रहा है। तो अब मैं जाती हूँ घर की ओर। यहाँ पे जला रखा है दीदी ने पहाड़ी मोर्टिन, तो बहुत अच्छा धुआं लग रहा है। तो ये आगे हैं पतिदेव जी। पानी लग जाता है, ये देखना पड़ता है पाइपों को, ये छत में फुल भर रखा है पानी, लकड़ी जा रही है, लकड़ी बुर्जा लग रखा है, तो लकड़ी नहीं मिल रहा है। रुको मैं ढूंढ के लेके आती हूँ। मिल गया, ये देख लीजिए बुर्जा लग रखा था। ये तो मैं अब दो के लिए गिना लेती हूँ, एक केले का डंठल और एक गलपत्ता। गलपत्ते का इतना बड़ा पूला है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके गिनाएंगे। तो अब मैंने गिना दिया है केले का डंठल और गलपत्ता। तो मैंने बना लिया है दाल और भात। दाल तो बन गई है और भात बन रहा है। और मैंने इसमें दृष्टि को नहलाने के लिए पानी रख रखा है, तो अब मैं दृष्टि को भी नहला लेती हूँ। तो दोस्तों बच गया शाम का 5, तो आज तो बिल्कुल बारिश बंद नहीं हुई। दिखाती हूँ मैं आपको अभी का मौसम। और मौसम हुआ है कुछ इस टाइप का, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। सुबह भी ऐसी था मौसम और अभी भी ऐसी है। तो दोस्तों जो ये कट्टा जैसा है ना, इसमें है मंडुआ, ये हमने टीप रखा है। जो ये यहाँ पे है, ये हमारी दीदी लोगों ने टीप रखा है। और दीदी का एक कट्टा वो उधर पे रख रखा है, बंधारी पे लगा रखा है दीदी ने उसको, क्योंकि वो पानी जाके कट्टे में पानी जाके जल्दी पक जाएगा। अभी तो हरा है, ये देख लीजिए आप भी, लाल होके ये पक जाएगा। उसके बाद पैरों से मारते हैं, फिर निकलेगा इसमें मंडुआ। तो मैंने जला लिया है पहाड़ी चूल्हे में आग, आग जला के ये दो भी रख दिया है। तो मैं लगाती हूँ सबसे पहले इसमें ढक्कन। तो दोस्तों मैंने कर लिया है यहाँ पे शाम की सब्जी की तैयारी। तो मैंने काट रखे हैं थोड़े बहुत आलू, और बाजार से लेके आए थे मटर। तो ये सिलबट्टे में मैंने मसाले पीस सके हैं, और टमाटर प्याज काट रखा है। तो करती हूँ मैं शाम की सब्जी की तैयारी।
तो दोस्तों मैं शाम के टाइम रोज गोबर निकालने जाती हूँ, तो जाती हूँ अब मैं गोबर निकालने। तो मैंने गोबर लगा के ये जाली भी लगा लिए है। गोबर को मैंने यहाँ पे रख रखा है, ये आजकल यहीं पे रखते हैं, जब खेत खाली हो जाएंगे तो यहीं से ले जाएंगे। तो अब जाती हूँ मैं घर। और यहाँ पे बड़े ससुर जी लोगों ने मधुमक्खियों को बचाने के लिए ये देख लीजिए उपाय कर लिया है। क्या लगा रखा है ये? इसको कहते हैं पहाड़ी भाषा में एराकान। अरे चुतराव आ रहा है रोज रात को, मधुमक्खी सांप पाड़ देगा वो चुतराव। कल भी आया था तो एराकान लगा गया नाब। चटकू बहना है। अरे और यहाँ पे कना के दीदी के नींबू लग रखे हैं, हम तो इनसे रहते हैं चूक। सर्दियों में बना के बहुत अच्छा होता है खाने में। शाम का टाइम हो गया है, अच्छे से साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे फूल खिल रखे हैं दोनों साइड से, और बीच में से ये सीसी मार्ग है जो ये तलधरा चच्चा लोगों के घर पे जाता है, ये सीसी मार्ग। तो देख लीजिए एक साइड ये कद्दू का बेल बहुत ज़्यादा फैल रखा है, और नीचे साइड ये रास्ता है। और ये है हमारे राछली के सासू, प्लास्टिक ओढ़ के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे आज इतना काटक है। हाँ जाओ बे जाओ। तो सासू तो जाने लग गए हैं, तो अब मैं भी चले जाती हूँ घर। कनवा की दीदी ने भी टीप रखा है ये मड़ुआ, ये प्लास्टिक में ही रख रखा है दीदी ने भी, इस वाले डोके में भी रख रखा है, ऊपर से केले के पत्तों से ढक रखा है। और दीदी यहाँ पे बर्तन धोने लग गए हैं। दीदी ने ओढ़ रखा है रेनकोट क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश है। तो देख लीजिए ये दीदी राख से धो रहे हैं यहाँ पे बर्तन, क्योंकि राख से एकदम चमाचम हो जाते हैं बर्तन। धो फिर धो दीदी बर्तन। तो दोस्तों बन चुकी है हमारी सब्जी, आज की सब्जी बनाई पतिदेव जी ने, देखती हूँ कैसा टेस्टी बना रखा है। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मटर आलू टेस्टी, थोड़ा पानी जाएगा इसमें। तो अब बच गया है रात का ना, हम खाना खाने लग गए हैं। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।